हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। बात करेंगे अपने वार्षिक परीक्षा 2024 क्लास 9th के लिए हिंदी में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रार्थना पत्र के बारे में। ये आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। आप चाहे किसी भी जिले के निवासी हो, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रार्थना पत्र है, तो इनको एक बार जरूर तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं, चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, संस्कृत, विज्ञान, सामाजिक, गणित, इन सभी के लिए आपके लिए यहाँ पे पेपर्स अपलोडेड है। प्लेलिस्ट में जाकर आप चेक कर सकते हैं। आपके हिंदी के लिए, इंग्लिश के लिए कंप्लीट मटेरियल अपलोड कर दिया गया है, और आपके मैथ्स, आपके साइंस, SST यानी सामाजिक, संस्कृत, इन सभी का भी आपको यहाँ पे कंप्लीट मटेरियल मिल जाएगा, और सभी के लिए ओरिजिनल पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन भी आपको इस चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है ना। तो जैसे ही आपका पेपर हो, उसका फोटो खींच कर जरूर भेज दें, ताकि उसका सॉल्यूशन आपको यहाँ पे मिल जाए, ठीक है ना। चलिए देखते हैं कि अपने लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रार्थना पत्र कौन से हैं। कभी कभी कन्फ्यूजन होता है कि कभी अपने इस प्रार्थना पत्र में इधर पता लिखा हुआ है, कभी इधर लिखा होता है, ठीक है ना। तो इस जो कन्फ्यूजन है, इसको भी दूर करेंगे, ठीक है। पहला अपना जो पत्र है वो देखते हैं कि किस प्रकार से आपको लिखना है, ठीक है। प्रार्थना पत्र, आप दौसा निवासी राजेश हैं, ठीक है ना। परीक्षा निकट है, पर लाउड स्पीकर के शोरगुल के कारण परीक्षा की तैयारी में व्यवधान पड़ रहा है, ठीक है। आपके एग्जाम चल रहे हैं, शादियों के सीजन भी चल रहा है, ठीक है। अपने जिला अधिकारी को एक प्रार्थना पत्र लिखें कि वे इन पर रोक लगाने हेतु आदेश देने की कृपा करें, ठीक है। अब आंसर में ध्यान रखिएगा, नए पैटर्न के अनुसार आप जब भी लेटर लिखते हैं, पत्र लिखते हैं, तो क्या करना, हर बार आप एड्रेस इधर से शुरू कर दें। आप देखेंगे कई कई बार एड्रेस इधर होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। आप हर बार इधर से ही शुरू करें, नए पैटर्न के अनुसार, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए क्या लिखा, सेवा में जिला अधिकारी महोदय दोषा, ठीक है। उसके बाद में आपको विषय लिखना जरूरी है। जब भी आप कंप्लेन करते हैं, मतलब जो अपना औपचारिक पत्र होता है, ये अपना औपचारिक है। अनौपचारिक कौन से होते हैं, जो रिश्तेदारों और दोस्तों को लिखे जाते हैं, उनमें विषय कभी लिखा नहीं जाता है, ठीक है। तो ये औपचारिक है, जिसमें आप एक अधिकारी को लिख रहे हो। तो आपने लिख दिया विषय, लाउड स्पीकरों से अध्ययन में बाधा के संबंध में, ठीक है। फिर लिखा आपने महोदय। अब क्योंकि हिंदी के विद्यार्थी हैं, हिंदी हम सभी अच्छे से जानते हैं, हिंदी मीडियम के हो चाहे आप इंग्लिश मीडियम को, इसमें कोई दिक्कत आती नहीं है, ठीक है ना। तो जो चीज़ हमें ऊपर क्वेश्चन में दे रखी है, इसके आधार पे आपको सारा नीचे लिखना है। तो क्या लिखेंगे, निवेदन है कि आगामी मास में परीक्षाएं होने जा रही हैं, यह समय हालांकि आपके तो अभी चल ही रही है, ठीक है ना, लेकिन फिर भी आपको ये लिखना है कि परीक्षा होने जा रही है, चल रही है, ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। यह समय हम छात्रों के लिए निरंतर अध्ययन का है, किंतु नगर में प्रातः काल से देर रात तक लाउड स्पीकरों पर ऊंची आवाज में फिल्मी गाने, भजन और न जाने क्या क्या सुनाया जाता है। ऐसी परिस्थिति में एकाग्रता से ध्यान कर पाना संभव नहीं हो सकता। इन लोगों से आवाज़ धीमे करने का अनुरोध करने पर ये लड़ने झगड़ने पे उतारू हो जाते हैं, तथा आपसे अनुरोध है कि परीक्षाओं की समाप्ति तक इस ध्वनि प्रदूषण से मुक्ति दिलाने का कष्ट करें, शीघ्र कार्रवाई की प्रतीक्षा में, ठीक है। यहाँ खड़ी पाई लगा देंगे, ठीक है। फिर यहाँ लिख देंगे धन्यवाद, धन्यवाद, ठीक है, धन्यवाद लिख दिया। उसके बाद में ये जो है अपने भव दिए, ये हम इधर लिख देंगे हर बार, ठीक है। इधर लिखें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, चाहे आप इधर लिखो कोई समस्या नहीं है, ठीक है। क्या लिखा, भव दिए राजेश, छात्र राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय दौसा, ठीक है ना। इस प्रकार से लिख देना, नाम अगर आपको पत्र में दे रखा तो नाम वही इस्तेमाल करना, ठीक है। और इस साइड लिख दिया अपने दिनांक, ठीक है, ऐसे आपको लिख देना। ये दिनांक यहाँ नहीं लिख के आप यहाँ भी ऊपर लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। फिर आता है अपने, आप स्वयं को रजनी मान लीजिए निवासी रतला मानकर अपने क्षेत्र में विद्युत अभियंता को परीक्षा की तैयारी के कारण विद्युत आपूर्ति नियमित एवं पर्याप्त रूप से करवाने हेतु तो अनुरोध पत्र लिखिए। कहने का मतलब आप केवल लाइट चली जाते हैं, आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, ठीक है। तो हमने शुरू कर दिया, प्रेषक रजनी, मतलब जो भेज रहा है उसका नाम रजनी लिख दिया, और उसका एड्रेस जो है हमने, ठीक है ना, दंडी स्वामी महाराजपुर रतलाम, ये लिख दिया। फिर यहाँ पे लिखेंगे, अच्छा अब पत्र कैसा है, पत्र है अपने कंप्लेन वाला, तो इसमें हमने नहीं लिखा कंप्लेन। तो देखिए इसमें और इसमें हल्का सा अंतर है, ये क्या है, एक प्रार्थना पत्र है, ठीक है। प्रार्थना पत्र जो होता है ना, उसमें एक बार ही एड्रेस आप लिखोगे तो चलता है, ठीक है। लेकिन एक सिंपल सा पत्र, कहने का मतलब प्रार्थना पत्र आप उसको भी कह सकते हो, लेकिन इसमें आपने एक बार एड्रेस लिखा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नीचे वाले में देखिए हमने दो बार एड्रेस लिखा है,
पहला खुद का हमेशा होता है खुद का, जैसे रजनी है तो रजनी नाम लिखा ऊपर और नीचे लिखा यहाँ पे, ठीक है। ऊपर क्या था, रजनी, रजनी दंडी स्वामी महाराजपुर रतलाम, इस प्रकार से एड्रेस लिखा। इस एड्रेस के बाद में हमने क्या करना, एक लाइन छोड़ देनी। फिर जिनको एड्रेस लिख, जिनको मतलब लेटर लिख रहे हैं उनका एड्रेस लिखना आपको हर बार, ठीक है ना। सेवा में विद्युत अभियंता नगर क्षेत्र संख्या 4 रतलाम, ठीक है ना। ये फिक्स पैटर्न है, याद रखिए, ठीक है। अच्छा, विषय क्या लिखा आपने, विषय है नगर में चल रही परीक्षाएं और विद्युत आपूर्ति का सुचारू न होना, ठीक है। महोदय लिखा, बाकी सारी चीजें सेम है। अब हमें जो दिक्कत है, जो हमने सवाल में पढ़ी, वही अपने को यहाँ पे लिख देनी है, और वापस से वही काम अपने इधर भवदिया लिख देंगे, ठीक है। भवदिया क्यों, क्योंकि भवदिया जब लड़की का नाम होता है तो भवदिया, लड़का होता है तो भवदीय, ठीक है। इधर तारीख लिख दी, कोई दिक्कत नहीं। इधर अपने जो लास्ट में होता है उसका भवदिया वगैरह ऐसे लिख देंगे इधर, ठीक है। तो ये भी आपको अच्छे से तैयार करना है। फिर पिताजी का स्थानांतरण हो गया तो उसके लिए एप्लीकेशन लिखनी पड़ती है, प्रार्थना पत्र, ठीक है ना। तो प्रार्थना पत्र के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे टीचर को लिखेंगे, प्रधानाचार्य को। तो सिंपल सा यहाँ पे स्कूल का एड्रेस लिख दिया, विषय लिख दिया, और विषय के बाद महोदय, और पिताजी का जहाँ ट्रांसफर हो गया वो लिख के लास्ट में वही तरीका अपनाना है। लास्ट में अपने को क्या लिख देना है, अपना एड्रेस। एड्रेस कहने का मतलब आपका आज्ञाकारी राजेश सिंह कक्षा 9, इस प्रकार से, ठीक है। एप्लीकेशन में ये लिखते हैं आपका आज्ञाकारी वगैरह। तो चीज़ एक और नोट कर सकते हैं आप, क्या जब भी आपको ये पूछा जाए कि आपको प्रार्थना पत्र लिखना, तो एक बार एड्रेस लिखना, ठीक है। लेकिन जब आप शिकायती पत्र लिखते हैं किसी को, प्रार्थना पत्र और पत्र में इतना ही अनुरोध मतलब अंतर है कि ये क्या था, ये अपने प्रार्थना पत्र है जिसमें आपको सीधा सेवा में श्रीमान ऐसे लिख के शुरू कर देना। लेकिन पत्र आ जाए तो आपको दो एड्रेस लिखने पड़ते हैं, ठीक है ना। जैसे कि ऊपर भेजने वाले का हो जाता है, फिर खाली जगह, फिर अपने जिसको भेज रहे हैं उसका हो जाता है, फिर विषय और फिर महोदय, इस प्रकार से लिख देना है, ठीक है। अगला देखते हैं अपने, आपको छात्रवृत्ति प्रदान करने तो प्रार्थना पत्र लिखना है। प्रार्थना पत्र बोला तो वही तरीका याद रखो, प्रधानाचार्य का यहाँ लिख दिया एड्रेस, विषय लिख दिया, महोदय लिखा, और फिर से जो आपने बोला है कि भाई इतने परसेंटेज थे मेरे और ऐसा ऐसा था, खेलों में मैंने हिस्सा लिया, मैं निर्धन छात्र हूँ, पिताजी की आय कम है, इसलिए मुझे क्या दीजिए, छात्रवृत्ति। और लास्ट में वही करना आपने, क्या आपका आज्ञाकारी मोहन, और डेट इधर, ये डेट इधर नहीं लिखे, हम इधर भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। इस प्रकार से आपको ये पत्र तैयार कर लेने हैं, ठीक है। इसके अलावा भी अगर आपसे कोई भी पूछा जाए ना, तो आपको बस कन्फ्यूजन में नहीं आना, आपको जो बताए बस उतना ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक बेहतरीन ढंग से पढ़ते रहिए, कोई डाउट आते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।